गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू चैप्टर टू, केयरिंग फॉर अदर्स, दूसरों की देखभाल करना। केयर फॉर अदर्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू कीप अप रिलेशनशिप्स विद पीपल क्लोज टू अस। देखभाल करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपनी रिलेशनशिप को रखना उन लोगों के साथ जो हमारे क्लोज है। केयर कैन टेक मैनी फॉर्म्स, हम बहुत से तरीके से देखभाल कर सकते हैं। एट होम इट माइट इन्वॉल्व बींग पेरेंट्स और लुकिंग आफ्टर एन एल्डरली सिक, डिसेबल्ड और नीडी मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। केयर फॉर ओल्ड पीपल, द ओल्ड पीपल आर यूजअली फिजिकली वीक। जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो फिजिकली वीक होते हैं। दे आर अनेबल टू डू देयर वर्क, और वो अपना वर्क काम करने में बहुत पावरलेस होते हैं। दे मे नॉट बी एबल टू सी, हीयर और वॉक प्रॉपरली, और वो इतने भी एबल नहीं होते हैं देखने में, सुनने में और चलने में। दे नीड रेस्ट एंड पीस, उनको ज़रूरत होती है रेस्ट और पीस की, शांति की। वी कैन हेल्प दैम बाई वॉशिंग, ड्रेसिंग, फीडिंग एंड हेल्पिंग, हम उनकी मदद कर सकते हैं वॉशिंग से, ड्रेसिंग, फीडिंग एंड हेल्पिंग। वी कैन गो ऑन वॉक विद दैम एंड गिव मेडिसिन, हम उनके साथ वॉक पर जा सकते हैं और उनको मेडिसिन दे सकते हैं। केयर फॉर सिक पीपल, बीमार लोगों की देखभाल। सम पीपल बिकम सिक ड्यू टू इलनेस, कुछ लोग बीमारी के कारण बीमार रहते हैं। दे आर एबल टू डू एनी वर्क, और वो कोई भी काम करने के अनेबल होते हैं, कोई भी काम करने में। दे ऑल्सो बिकम वीक, वे कमज़ोर होते हैं। दे नीड लव एंड कॉन्स्टेंट एनकरेजमेंट, और उनको ज़रूरत होती है लव, प्यार और एनकरेजमेंट, सपोर्ट की। दे रेस्ट इन अ क्वाइट कम्फर्टेबल प्लेस विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट, और उनको वो रेस्ट की कम्फर्टेबल जगह पर वो फ्रेश एयर और लाइट के साथ कम्फर्टेबल रेस्ट करते हैं। वी कैन हेल्प दैम इन मैनी वेज, हम उनकी बहुत से तरीके से हेल्प कर सकते हैं। वी कैन स्पेंड सम टाइम विद दैम टू मेक दैम हैप्पी, और हम उनके साथ कुछ समय बिता सकते हैं उनको खुश रखने के लिए। वी शुड अकंपनी दैम टू द डॉक्टर इफ देयर इज़ अ नीड। केयर फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल वो होते हैं जो लोग कोई भी काम समझने में असमर्थ होते हैं। द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दे आर अनेबल टू सी, वो बिल्कुल कैपेबल नहीं होते सी देखने में, हीयर सुनने में, वॉक चलने में और स्पीक बोलने में। सम ऑफ देम डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, और वो कोई भी चीज़ नहीं समझ सकते। दे ऑल्सो लीव एंड डू द थिंग दैट वी डू बट इन अ डिफरेंट मैनर, सच एज ब्लाइंड पीपल कैन नॉट सी, वो भी हमारी तरह जीते हैं और चीज़ें करते हैं लेकिन अलग डिफरेंट मैनर में करते हैं, सच एज ब्लाइंड पीपल कैन नॉट सी, क्योंकि ब्लाइंड पीपल जो होते हैं वो देख नहीं पाते हैं। दे अंडरस्टैंड वॉट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय देयर साउंड, तो वो लोग क्या करते हैं जो दूसरे लोग बोलते हैं तो वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं उनकी साउंड से। दे कैन रीड यूजिंग अ स्पेशल राइटिंग विद रेज डॉट्स, इट इज़ कॉल्ड ब्रेल, तो वो क्या रीड कैसे कर पाते हैं, वो एक ब्रेले राइटिंग सिस्टम होता है उसके थ्रू वो लोग रीड कर पाते हैं। ब्रेले में क्या होता है, राइटिंग सिस्टम जो अनेबल करता है ब्लाइंड पीपल को ताकि वो पढ़ सकें। रेज डॉट होती हैं उस पर, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ना वे उभरे हुए होते हैं, तो वो उसके थ्रू पढ़ पाते हैं। दे फील द रेज लेटर्स विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर्स ऑन द पेपर एंड रीड, वो कैसे फील करते हैं रेज लेटर्स को, जो उभरे हुए लेटर होते हैं उनको फिंगर से टच कर कर। We should always be helpful towards them. हमें उनकी help करनी चाहिए। तो physically challenged लोग कैसे होते हैं, जो physically यानी कि physically unable होते हैं कुछ work करने में, सुनने में या चलने में, ऐसे लोगों को हम physically challenged people बोलते हैं, और हमें उनकी care करनी चाहिए। We should always be helpful towards them. Okay, childrens?